हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महा छठ पर्व महोत्सव के अवसर पर मनुष्य को अपने जीवन में शुद्धता लाने व जीवन को ऊंचा उठाने का संकल्प लेना चाहिए, तभी समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, छुआछूत, जातिवाद, असमानता जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज छठ पर्व का ये त्यौहार और ये महाउत्सव मनाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, केवल करनाल में ही नहीं तो पूरे देश और दुनिया में छठ पर्व की बड़ी एक महत्ता है। सब लोग पवित्र जल के किनारे, सरोवरों पर, नदियों के किनारे, कहीं जहाँ भी जल का स्रोत रहता है ऐसे स्थानों पर भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए लोग आते हैं और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। महिलाएं व्रत करती हैं, अगले दिन प्रातःकाल यानी कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और सब महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं और एक प्रकार का ये महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के नाते से समाज का एक संकल्प भी रहता है। हमने जैसे हरियाणा में जो हमारा लिंगानुपात, महिला लिंगानुपात का जो बढ़ता हुआ अंतर था उसको कम करते हुए हमने सफलता पाई है। महिलाओं के अधिकार के और भी कई काम किए हैं, महिला थाने हमने खोले हैं, महिलाओं का उनके कामकाज के लिए कई प्रकार के हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं। महिलाएं कैसे आगे बढ़ें इस प्रकार के कामों को हम कर रहे हैं। मैं आज इस छठ पर्व के ऊपर समाज के सब वर्गों को, सब लोगों को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।